चलिए रिलेटिव प्रोनाउन ने कहे या रिलेटिव बात ही की है, ये जरा तवज्जो से पढ़िएगा। एडजेक्टिव क्लॉजेस में इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। सेंटेंस लिखिए, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माय ब्रदर। The boy who stood first is my brother. इसका मुझे बताइए एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? The boy. ठीक हो गया। अब who stood first इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये मुझे बताइए ये जो who है ये किसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है? Boy की जगह पर यूज हो रहा है। ठीक हो गया। Who stood first? ये पूरी एक क्लॉज है और ये पूरी क्लॉज किसके मीनिंग्स में इजाफा कर रही है? Boy के। इस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो शुरू में आपने लिखा हुआ है ना, देखिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को के लिए एक और नाउन लिख देना। देखें मैंने कहा था बॉय, इस बॉय का मतलब और हु, इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं। ये हु एक्चुअली हु स्टूड फर्स्ट को उसके साथ रिलेट करता है एक्चुअल नाउन के साथ। ये सेम सेंटेंस के अंदर होता है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, मसलन लिखिए द बॉय इज माय ब्रदर। द बॉय इज माय ब्रदर, ही स्टूड फर्स्ट, फुल स्टॉप के बाद ही स्टूड फर्स्ट। ही कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। जब सेंटेंस खत्म होता है और पर्सन को हम रिपीट करना होता है तो उस नाउन की जगह पर जो लगाते हैं वो कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इसे एक ही सेंटेंस में लिखना चाहूं, जैसे ये वाला पार्ट है, मैं इसको पहले का हिस्सा बनाकर लिखना चाहूं, तो फिर सेम सेंटेंस में जब प्रोनाउन दोबारा आएगा तो उस प्रोनाउन को हम रिलेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माई ब्रदर। ये जो हु स्टूड फर्स्ट है ये बॉय के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। इस नाउन को, सिर्फ इस नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, पूरी क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहेंगे या एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, और ये कह लीजिए इमीडिएटली आफ्टर उस नाउन की आएगी जिसके बाद इसे लगेंगे। ये बात सबकी समझ में आ रही है? जी सर। अब देखिएगा जरा इसके मीनिंग्स को, जरा ये क्या है? देखिए सेंटेंस में मैं लिखता हूं The boy who stood first is my brother. ठीक हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक्चुअल क्या है? सब्जेक्ट। ये वर्ब है और ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब ये who इस्तेमाल हुआ इसकी जगह पर, जिसकी जगह पर ये इस्तेमाल हो रहा है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, या इसका दूसरा नाम होता है हेड नाउन। इसको क्या कहते हैं? हेड नाउन या एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का लफ्जी मतलब होता है कमिंग अर्लियर, पहले आना, टू कम बिफोर। चलो यूं कह लीजिए टू कम बिफोर, पहले आना, कमिंग अर्लियर, पहले किसी चीज का आना। अब ये जो है ये इसकी जगह पर, देखिए एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? इसकी एक रीजन, ये बॉय की जगह पे यूज हुआ तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। ऐसे ही है। और इसने स्टूड फर्स्ट को इसके साथ रिलेट भी किया, जोड़ा भी है, मतलब ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोनाउन जो प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम करे उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिस क्लॉज में लगता है, जो क्लॉज इससे शुरू होती है, इस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। ये हम फिर डिटेल पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कौन सी होती है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव कौन सी होती है। अभी सिर्फ इतना हु स्टूड फर्स्ट,
अब ये हु जो है वो इसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ। हमने आज पढ़ने हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हम ये पढ़ेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए नंबर वन, रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्यों क्रिएट हुआ? नंबर वन, जब मैं ये कहता हूं द बॉय इज माय ब्रदर, ही स्टूड फर्स्ट, ठीक हो गया। अब देखिए जब सब्जेक्ट दो सेंटेंसेस में रिपीट हो, दो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है और ये वाला पार्ट जो है फिर हम इसको पहले इसका हिस्सा बनाकर एक सेंटेंस में हमें लिखना चाहिए। ये प्रिसिजन का रूल है। जब आपसे कहा जाए ना लैंग्वेज प्रिसाइज करें, तो हमेशा हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखते। ये बात समझ आ रही है? द बॉय इज माई ब्रदर, तो ही स्टूड फर्स्ट, इसकी वजह से मैंने ऐसे कर लिया। ये ऐसे भी हो सकता है आई मेट असलम, ही वॉज अ टीचर। अब यहां देखिए ही असलम के लिए यूज हुआ, अब मैं इसको यूं लिख लूंगा आई मेट असलम हु वॉज अ टीचर। बात समझ आ रही है? अब रिलेटिव क्लॉज क्या है? हु वॉज अ टीचर, और इसका हेड नाउन क्या है? असलम। तो मतलब कहने का ये है कि ये कहीं भी किसी भी जगह पर आ सकती है सेंटेंसेस के अंदर, उनको सक्सिंक्ट बनाने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए, एक सेंटेंस में एक्सप्रेस करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउंस की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब इंग्लिश के अंदर देखिए, जैसे हु था कल आपने पढ़ा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इसी तरह विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इसी तरह कह लीजिए दैट, ये कंजंक्शन भी है और दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन विच और रिलेटिव प्रोनाउन हु। अब आपको समझ आ गई कि ये हम एक्चुअली इस तरह के सिचुएशंस में इन्हें इस्तेमाल करेंगे। हम इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने लगे हैं, रिलेटिव क्लॉज के रूल्स नहीं पढ़ने लगे। वो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, नाउन क्लॉज के बाद उसकी बारी आएगी। उस वक्त मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा यार रिलेटिव प्रोनाउंस याद होगा, आपने प्रोनाउंस में पढ़े। तो रिलेटिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन विच डज द फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन एंड ए कंजंक्शन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? हेड नाउन या एंटीसीडेंट, इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन है ना, तो जिस नाउन की जगह पे लगे वो नाउन हेड नाउन या एंटीसीडेंट होता है। हु होगा ना, देखिए द पेन विच इज इन माई हैंड इज ब्लैक, ये विच किसकी जगह पर यूज हो रहा है? द पेन। तो द पेन क्या हो गया? हेड नाउन या एंटीसीडेंट। और वो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए नहीं, हर प्रोनाउन किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो जो नाउन होता है उसे एंटीसीडेंट या हेड नाउन कहते हैं। वही प्रोनाउन किसी नाउन को रेफर करता है ना, जिस नाउन को रेफर करता है उस नाउन को हम क्या कहते हैं? हेड नाउन या एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कमिंग अर्लियर, टू कम बिफोर, पहले आना, पहले वाला, ठीक हो गया। अब लिखिए द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हुई? एक ऐसा प्रोनाउन, ए प्रोनाउन विच डज द फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन एंड ए कंजंक्शन, दो काम ये करता है। कौन कौन से? एक प्रोनाउन का काम करता है और साथ कंजंक्ट भी कर देता है। देखो वर्ब को जोड़ भी तो रहा है ना उसके साथ, which does the function of, sir, which does the function of a pronoun and a conjunction। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कल पढ़ा ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, याद आया? हु और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं? चलो आप जरा समझो, इसे काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इस्तेमाल होते हैं। काफी सारी चीजें आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस की भी आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी जब ये क्लॉज बनकर आते हैं तो इनका बिहेवियर भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसको भी देख लेंगे। फिर क्या है, लिखिए नंबर वन। पहला तो हम ये फर्क समझें कि हु विच और ये दैट लगते कैसे हैं, ठीक है। अब ये बात तो समझ आ गई कि जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे वो किसके बगैर नहीं हो सकते, हेड नाउन के बगैर।
अगर वहां हेड नाउन नहीं होगा तो क्या मैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहूंगा? नहीं। चले मैं दो तीन सेंटेंस बोलता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इनके अंदर ये जो लव्ज है रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। मसला लिखिए, व्हाट ही सेड इज अनबिलीवेबल। What he said is unbelievable. What he said is unbelievable. चलो बेटा जी बताइएगा जरा, बताइए ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। इसमें पहले कौन से लफ्ज का मैं पूछ रहा हूं? What का। तो बताइए what है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका हेड नाउन ही कोई नहीं है। हालांकि मीनिंग इसके भी वही है जो उसने कहा। तो हम देख रहे हैं ये किसी नाउन की जगह पर यूज हो रहा है? नहीं। व्हाट ही सेड, क्लियर है? इसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एक सिंपल सबऑर्डिनेटर है, कंजंक्शन। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, आई डू नॉट बिलीव What he said. I do not believe what he said. जी अब बताइए है या नहीं है? नहीं है भाई, what किसी चीज की जगह पर यूज नहीं हुआ, ठीक है? अब लिखिए, I met the boy. Who came late? I met the boy who came late. जी ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन। कंफ्यूजन तो कोई नहीं है। चलो अब सबसे पहले who को समझिएगा, who कहां लगाना है, ठीक है? आपने देखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं उसमें हमारे पास जो नाउन होगा उसी की जगह पर लगाएंगे ना। तो नाउन दो कैटेगरी के होते हैं। नाउन कितनी कैटेगरीज के हैं? एक, वो या तो पीपल होंगे या नॉन पीपल होंगे, या पीपल होंगे या नॉन। मैंने लिविंग नॉन लिविंग नहीं कहा, मैंने कोई और नाम नहीं लिए, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दिया, या वो क्या होंगे, पीपल होंगे या नॉन पीपल होंगे। पीपल हो तो हमेशा हु लगाइए, नॉन पीपल हो तो हमेशा बीच लगाइए, पहली बात, ठीक है? लिखे जरा, द हाउस। अब बताइए हु योर फादर बॉट या विच योर फादर बॉट? द हाउस विच योर फादर बॉट वॉज एक्सपेंसिव। फिर लिखिए, आई बॉट द हाउस, आई बॉट द हाउस हु योर फादर सोल्ड या विच योर फादर सोल्ड, विच योर फादर सोल्ड। द रैट्स हु वर ऑपरेटेड अपॉन, द रैट्स Who were operated upon? Operated upon? Who were operated upon? Were killed? सही है गलत है? गलती क्या है? Who नहीं आना, which आना है? ठीक है, which आना है? Which क्यों आना है? Non people है इसलिए। Who और which में कोई कंफ्यूजन नहीं सर। एक बात हमें समझ आ गई कि पीपल हो तो उनके लिए हु लिखना है, नॉन पीपल हो उनके लिए विच लिखना है, क्लियर? अब खराबी कहां पैदा होती है वो देखिए, दैट। अब दैट को देखिए, दैट भी ये सारे काम करता है जो हु करता है, जो विच करता है। तो पहला सवाल पैदा हो जाता है, अगर हर सारी जगहों पे दैट लगता है तो ये हु और विच लगाने की जरूरत क्या है? मसलन लिखिए, द बॉय। अब विच स्टूड फर्स्ट या हु स्टूड फर्स्ट, देखिए हु स्टूड फर्स्ट इज
माई ब्रदर हु को मंडलाइन कर लीजिए द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माई ब्रदर अच्छा जी हु क्यों आया यहाँ पर पीपल है अच्छा यहाँ दैट भी लग सकता है अंडरलाइन करके दैट लिख लीजिए द बॉय दैट स्टूड फर्स्ट इज माई ब्रदर क्या समझे इस बात की That. तो फिर फायदा क्या हुआ फिर हम हु विच को दफा करें हमेशा दैट लगा के काम चलाते हैं समझ रहे हैं नहीं yes, yes, तो याद रखना है दैट बोलचाल में लगाना है इनफॉर्मल में लगाना है इस तरह के एक्सप्रेशंस में यानी हु विच की जगह पे जहां हु लगना है विच लगना है अगर आप दैट लगा रहे हैं ना तो असल में आप क्या कर रहे हैं आप कौन सा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं informal. जो इनफॉर्मल है और इनफॉर्मल आपने नहीं लिखना होता जैसे कांट लिख सकते हैं पेपर में इजंट लिख सकते हैं नहीं बिल्कुल ये भी नहीं आप कर सकते पहला पॉइंट इसका मतलब हम हू और विच को ही लिखेंगे तो फिर दैट कब लिखते हैं नंबर वन लिखिए दैट कब लिखते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक इसके मेरा ख्याल पहली बात तो समझ आ गई भी जहां द हाउस दैट योर फादर बॉट इज एक्सपेंसिव तो दैट मैंने लगाया ये इनफॉर्मल है मुझे कहना चाहिए द हाउस विच योर मुझे इसको उसी तरह ही कहना चाहिए ठीक हो गया अब मैं आपको बताने लगा हूं दैट कहां लगेगा फिर लिखिए नंबर वन हेड नाउन यानी सुपरलेटिव डिग्री प्लस हेड नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो अब सुपरलेटिव डिग्री आप सबको पता ही है yes, जैसे बेस्ट हो गया जैसे मोस्ट हो गया जैसे चीपेस्ट हो गया अब मुझे बताइए जब मैं कहूंगा द लेक्चर दैट आई हर्ड या विच आई हर्ड द लेक्चर विच आई हर्ड लेकिन द बेस्ट लेक्चर विच आई हर्ड या दैट आई हर्ड तो द बेस्ट लेक्चर दैट आई हैव एवर हर्ड इज ऑन इकोनॉमिक्स द बेस्ट लेक्चर That that I have ever heard is on economics. बेहतरीन लेक्चर जो मैंने कभी भी सुना है वो इकोनॉमिक्स पर है मईशत पर मेरा ख्याल है समझ की बात ये पहले दैट की वजह समझ आ गई अब यहां विच नहीं लग सकता यहां विच लिखना गलत है सुपरलेटिव डिग्री हो द मोस्ट फैसिनेटिंग फैक्टर विच आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ या दैट आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ दैट आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ इसी तरह से कह लीजिए बेस्ट आ जाए मोस्ट आ जाए द चीपेस्ट कह लीजिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच आई लाइक या दैट आई लाइक मेरा मतलब समझ आ गया ये सबके लिए पर्सन हो पीपल हो नॉन पीपल हो अब आजाद हो गए हम इन चीज से जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आई हम इन तमाम चीजों से आजाद हो गए दूसरा लिखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद भी हमेशा दैट लगाएंगे यानी हेड नाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए कल पढ़ा ना आपने जिनसे सवाल एक्सप्रेस होता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद भी हमेशा क्या लगाएंगे मसलन हु इज ही वो कौन है हु इन्वेंटेड रेडियो जिसने रेडियो ईजाद किया केड़ा भी ने रेडियो ईजाद किया वही मारेगा कोनी किसी के पास बैठते नहीं क्या ना मार कोनी कोनी मारेगा अच्छा Who is he who invented radio? अब गलती क्या इसमें Who is he underline कीजिए अब ये who कौन सा pronoun है यहाँ पर Interrogative. Who invented radio या that invented radio? तो आखिर में question mark लिखिए अब समझ आ गई बात Who is he who invented that invented radio? Interrogative pronouns के बाद भी इसे लगाते हैं तो बात भी समझ आ गई चलो एक example और देखिए फैसल लिखिए नेक्स्ट अक्सर आपके क्वेश्चन में ही आता है व्हाट आर द फैक्टर्स लिखिए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन क्वेश्चन मार्क
बताइए व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट क्या है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद विच आर रिस्पॉन्सिबल या दैट आर रिस्पॉन्सिबल। अब जब मैं इसका आंसर लिखूंगा, जरा आंसर बताइए कैसे होगा, द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल या विच आर रिस्पॉन्सिबल। अरे यार आप क्यों, अब तो इंट्रोगेटिव की वजह से दैट लगाया था, जब आप लिख रहे हो इंट्रोगेटिव तो नहीं ना है। अब समझ आई, आप दैट उस सूरत में लगा सकते थे अगर आप ये कहते द मोस्ट डिजास्ट्रस फैक्टर्स दैट, फिर आप कर सकते थे। अदरवाइज आपने कहना था द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। मेरे को ये बात भी समझ आती है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद यानी हेड नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके बाद भी हमेशा दैट लगेगा, ये बात भी समझ आती है। अक्सर क्वेश्चन के अंदर इस तरह कंफ्यूजन होती है, दैट लगाऊं के विच लगाऊं, क्लियर। तीसरा लिखिए, सवालिया लफ्ज कोई भी आ जाए, सवाल किसी भी लफ्ज में आ जाए, जैसे मैं कहता हूं यार वो कौन सा फॉर्मूला है जो उस दिन जाफर ने बताया था, व्हाट वाज द फॉर्मूला विच जाफर टोल्ड द अदर डे या दैट जाफर टोल्ड द अदर डे, दैट क्यों लगा रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला, यानी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के बाद मैं ये नहीं कहूंगा जो जाफर ने, विच जाफर टोल्ड या हु जाफर टोल्ड, नहीं दैट जाफर टोल्ड, क्लियर है। हालांकि फॉर्मूला में विच के साथ लिख सकता था, लेकिन यहां वो फॉर्मूले का अगर मैं हेड नाउन देखता हूं तो वो इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेशन के अंदर हमेशा इसे क्या करते हैं, मेरे ख्याल ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट सर, इसमें अगर इस तरह से आ जाता है मतलब क्वेश्चन, यू नो द फार्मूला विच जाफर टोल्ड, अब देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन एंड पे आ रहा है तो ये तो क्वेश्चन हुआ ना, जी जी तो फिर भी यही डैट ही है, जी जी क्वेश्चन की वजह से लगा रहे हैं ना, क्वेश्चन आप लफ्जों से शो करें या टोन में शो करें, क्वेश्चन तो है ना, नहीं समझ आई बात भाई, क्वेश्चन फर्ज कीजिए ऐसा हो यू नो द फार्मूला विच जाफर टोल्ड, पता है फार्मूले का जो उसने, सवाल तो है ना, सवाल चाहे लफ्जों से ना भी हो आपने दैट ही यूज कर, क्लियर। अच्छा चलिए ये लिखें, डू यू नो द फॉर्मूला अब बताइए विच जाफर टोल्ड या दैट जाफर टोल्ड, सोच विच जाफर टोल्ड। अब मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए कहा था, क्या इसके शुरू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेशन है सिर्फ, सिर्फ इंटेरोगेशन हो तो फिर बाद में एक बात समझ आई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसके शुरू में, नो सर, तो फिर क्यों लगाना है, मैंने तो आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो दैट लगाओगे ना, पहले शुरू में हु लिखा पे व्हाट लिखा हुआ तब दैट लगाओ, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है फिर आपको जरूरत नहीं है। अब जो पॉइंट एक और बताऊंगा, यहां विच अगर बदल के दैट में जाएगा तो रीजन कोई और होगी, वो इंट्रोगेशन नहीं होगी, अभी विच ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डू यू नो द फॉर्मूला विच ही टोल्ड, तो ये दैट ही टोल्ड हो सकता है लेकिन रीजन कोई और होगी, वो ये नहीं है इंट्रोगेशन की, इंट्रोगेशन की एक ही रीजन है, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ, हेड नाउन के साथ क्या हो, हेड नाउन में इंट्रोगेशन हो यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो लगेगा। तीसरा लिखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है, वो बताएगा पहले, फैक्ट बताया गया हो, इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का क्या मतलब होता है, यकीनी, पक्का, खास, पक्की बात है। जब मैं कहता हूं फाइव बॉयज, ये डेफिनेट नंबर है कि इनडेफिनेट, सारे लड़के इनडेफिनेट, बहुत से लड़के इनडेफिनेट, कुछ लड़के इनडेफिनेट, मेरा ख्याल समझ आ रही है, बस वो जो गिनती होती है वो डेफिनेट होती है, जब गिनती नहीं होती क्वांटिफाइंग होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनेट। अब समझ आई ना, अब लिखिए ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अब हेड नाउन बताइए आपका क्या है, डेफिनेट है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट है सर, और इंडेफिनेट प्रोनाउन में कह रहा हूं इंडेफिनेट, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल को अंडरलाइन कीजिए, कौन सा प्रोनाउन है,
इनडेफिनेट भाई पांच हूं तो मैं ऑल कहूंगा, पांच से हूं फिर भी ऑल कहूंगा, ठीक है? यस सर। अच्छा अब ऑल विच आएगा, दैट आएगा, तो विच कार्ड के लिखिए ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल कौन सा नाउन है? प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद भी दैट लगाते हैं, ठीक है? अब जरा लिखो एक फिक्र, लिखे सम बॉयज डैश केम लेट, खाली जगह छोड़ के लिखिए केम लेट आर माई फ्रेंड्स, फिर लिखिए सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज some of the boys dash came late are my friends। अब देखो ये एक ही मीनिंग्स के साथ दो सेंटेंस हो गए ना। yes, sir। पहले में सम बताइए प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। पहले वाला एडजेक्टिव है। yes, sir। और दूसरे वाला क्या है? प्रोनाउन। वो प्रोनाउन है। ऐसा ही है। yes, sir। अब आप मुझे बताइए प्रोनाउन होगा तो डैट लगेगा, एडजेक्टिव होगा तो हु ही लगेगा। Some boys who came late और some of the boys that came late, मैंने कहा indefinite pronoun वो तो लगेगा that है। और अगर कोई ये अब formula ना ना याद रख लेना, some के बाद हमेशा that, all के बाद सर ने कहा था that लगाना। Invisible कहाँ? बात समझ आ रही है? वो क्या भी कहाँ है ना नाम? अच्छा गैबी मदर सुनी नहीं थी, गैबी खान भी देख लिया। अच्छा जी वो पता है क्या, ये आपको शायद अजीब ही लगे, वो लफ्ज मुझे भूल गए हैं, वो कोरियन के, वो जो जैकी चैन के अब्बा ने उसका नाम रखा था, वो कह रहे थे हमारे मुल्क में ना पठान, यानी जो चीज सहूलत होती है ना नाम उसी तरह रख देते हैं, करीब दरिया खान, समुंदर खान, शरबत पी रहे हैं शरबत खान, दलदल खान, भरूद खान, सिलाब खान, जेनुइन नाम। अच्छा सीएसएस के अंदर ना एक नाम एक बार है, अब वो मुझे आज तक कंफर्म नहीं हुआ, बच्चा को अपना तो पता चलता, स्पेलिंग वहां लिखे हुए थे के एच ओ टी ए वाई, अब पता नहीं खोटे खान था या खोते खान, ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी अल्लाह जानता है सच कह रहा हूं, अब पता नहीं वो खोटे खान था या खोते खान था ये नहीं पता, स्पेलिंग अब पता है, तो बड़ा दिल करे कहीं उर्दू में लिखा हो तो पता चल जाए खोटे हैं कि खोते खान। बड़ी हैरत हुई, वो एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, वो जो ये नहीं है जो कोरियन है, वो जैपनीज नहीं, वो जैकी चैन, तो वो जिस सूबे में पैदा हुआ था ना उसका नाम उन्होंने ऐसे रखा था जैंग केंग शोंग, यानी जैंग में पैदा हुआ, उन्होंने भी उसी तरह वहां कोरियन में भी सेम रिवाज है, यानी वो जो भी उनके भी होते हैं, मतलब पैदा होते हुए अबू सूरह यासीन पढ़ रहे हैं यासीन खान, जुमा आज जुमा खान, ईद है ईद खान, मतलब जो भी है उसी तरह से ऐसे, ठीक है? शरबत खान तो मैंने सुना हुआ है खुद से, मतलब अल्लाह दिता है, आपने अल्लाह दिता सुना है, पंजाब में अल्लाह दिता लूने वाला भी है, अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा तो है, अल्लाह रखी भी है, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी भी नाम है, तो ये मैंने पहली बार ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये ज्यादा हो गया, हाँ मुझे लग रहा है कंफर्ट। चलो हो सकता है नाम रखने यार, लोगों की मर्जी जो मर्जी नाम रखनी है, वो शेक्सपियर कहता था व्हाट इज इन अ नेम, क्या है नाम के अंदर, आप गुलाब को किसी भी नाम से बुला लो लेकिन गुलाब को मूली कह के देखिए तो दिमाग में ऐसे अजीब सा लग रहा है, मतलब मूली कंसेप्ट बन गए। चलो खैर तो नाम की खैर कोई नहीं है, और एक तो ऐसे कोई पठान हो ना तो इसको रेसिज्म में ना ले जाया करो, फटाफट आ गया कि नहीं यहाँ भी ये नाम है, ये यहाँ जो लोग है ना हमारे, अब अल्लाह दिता मलिक होता है तो वो अल्लाह दिता तो नहीं बाद में रहते, एडी मलिक प्रोफेसर एडी मलिक इकोनॉमिक्स के बड़े मशहूर थे, एडी हाँ जी, अल्लाह दिता खाजा, अल्लाह दिता मलिक,
इसी तरह आई खाजा 100% यही हो तो अल्लाह दीदा को गॉड गिवन कह लें तो ठीक है मर्जी वो ये होता था पहले लोग तो औलाद नहीं होती थी अल्लाह से मांगते थे दुआ कबूल होती थी नाम ही रख देते अल्लाह दीदा अल्लाह ने दीता हालांकि सारी अल्लाह ने दी होती समझ गई कि नहीं ये बड़ा फैक्ट है कि इंसान जो मर्जी करता है यहाँ कुछ मुल्हिद और ऐसे कहते रहते हैं सुहेल तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है देखे माँ बाप जो है वो कह लीजिए कुछ भी कर लें कुछ भी कर लें वो औलाद पैदा नहीं कर सकते ये अल्लाह की देन होती है हकीकत कैसे पता चलती है माँ बाप के बस में अगर हो तो फिर जो चाहे वो बेटे पैदा करना चाहे बेटे कर लें बेटियां पैदा करना चाहे बेटियां पैदा कर लें जो मर्जी वो कर लें लेकिन उनके इख्तियार में कुछ नहीं है ये अल्टीमेटली इख्तियार कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है बेटियां देता है मिला के देता है किसी को नहीं देता अच्छा वो दे के ले ले फिर क्या कर लेंगे बेटे बेटियां दे दे क्या कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें जहां इंसान जो है ना वो मतलब उसमें से तो इसलिए किसी भी बात को ना फटाफट भाग के ले जाती है पंजाब में ऐसे तो मैंने कहा क्या पंजाब अच्छा है अब तो नई बातें शुरू हो चुकी है कि नाम लोगों ने रखना होता है तो पता कैसे रखते हैं और नहीं नहीं वो नाम रखते हैं तो ये उमर अहमद के नावल पढ़ पढ़ के ना वो कहते हैं हाँ जी आपकी बेटी भी क्या नाम रखा उन्हें कहा मैं रखा नाम बारीफास बारीफास क्या होता है वो कहता है कि चांदनी रात के अंदर धुंध पड़ रही हो तो वो पत्तों पर गिरने से जो आवाज पैदा होती है ना उसको बारीफास कहते हैं वो कहता है तुम्हारी बेटी थी तुमने उसका नाम रखा उसने रखा हमने उसका नाम रखा है लीलन चंबा लीलन चंबा क्या होता है वो कहता है काली घनी रात के अंदर सांप देख के हुदहुद की जो खांसी निकलती है तीसरा कह देगा हमने जम्बू लीला नाम रखा जो मर्जी नाम बना रहे हो जम्बू लीला लीलन जम्बा मतलब जो मर्जी मीनिंग्स निकालते हो लेकिन चलो ज्यादा मतलब पढ़े लिखे माँ बाप के नाम भी इस तरह का रखते हैं जब अब माँ बाप के एक दो बच्चे होते हैं पहले होता था हम दो हमारे सौ अब हैं मतलब हम दो हमारे दो तो वो फिर नाम थोड़ा सोच समझ के रखते हैं वरना थोड़े बच्चे ज्यादा होते थे तो नाम रखे नहीं जाते थे नाम पढ़ जाते थे सही है ना जो नाम पढ़ गया वही मशहूर हो गया समझ गए क्योंकि जो भी इसलिए मेरा ख्याल है ऐसे उनमें जो हो जाता है इसलिए नाम पे इतने सीरियस ना हो हर नाम के बेहतरीन लोग जो है ना अब लोग नामों के साथ मतलब नस्बत लगा लेते हैं तो चलो वो तो समझ आ गई मोहम्मद अहमद और ऐसे लिख लिया अब ये जो साथ जाते लगाते हैं वो बहुत अजीब लगता है मुझे वैसे अजीब लगता है क्योंकि फिर कुछ अरसे बाद आपकी हैसियत खत्म हो जाती जात रह जाती है आज हाँ जी खाजा साहब नहीं आए मलक साहब नहीं आए काकड़ साहब वो फिर जातें भी अजीबो गरीब किस्म की हैं यानी वो वकीलों के इधर चले जाए चैंबर्स में तो आपको पता चलता है ये क्या जात है यार यानी उसको पढ़ने के लिए आपको मुंह करके है ऐसे भी ना चलो जी सम ऑफ द बॉयज और सम के बाद क्या आएगा बेटा सम के बाद जो बॉयज लिखा हुआ है सम बताओ एडजेक्टिव है प्रोनाउन है बोले कोई नहीं जल्दी बोलो सम बॉयज में सम क्या है कन्फर्म है ना ये सम ऑफ द बॉयज में से सम देखो ऑफ द बॉयज ये प्रेपोजिशन है बॉयज प्रेपोजिशन उन लड़कों में से कुछ तो लड़कों में से कुछ ये सम प्रोनाउन है प्रेपोजिशन आ गई ना उसके बाद तो नाउन के बाद ही प्रेपोजिशन आती है तो सम ऑफ द बॉयज क्या हुआ ये सम क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउन डेफिनेट नहीं है इसके बाद जब मैं लिखूंगा तो मैं जो लिखूंगा रिलेटिव प्रोनाउन को कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लिखूंगा दैट और वो सम पहले वाले के बाद क्या लिखो रीजन समझ आ गई इनडेफिनेट प्रोनाउन हो तो दैट लगाते हैं तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया भाई दैट के तीन पॉइंट क्लियर अब फोर्थ लिखिए
अब थोड़ा सिर्फ टेक्निकल बातें हैं, दो तीन मिनट इन्हें ध्यान से समझिएगा। लिखो एक सेंटेंस, द हाउस विच वॉज एक्सपेंसिव वॉज ग्रैंड, ग्रैंड जी आर एंड ग्रैंड, द हाउस विच वॉज एक्सपेंसिव वॉज ग्रैंड, जी जी बड़ा। अच्छा मुझे बताइए द हाउस विच किसकी जगह पर यूज हो रहा है, हाउस की जगह, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि नॉन पीपल है। अब मुझे बताइए ये विच वॉज ग्रैंड इसे अंडरलाइन करें, विच वॉज एक्सपेंसिव इस हिस्से में मुझे बताइए जो विच इस पार्ट का विच वॉज का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इतने हिस्से में सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। yes, फिर लिखें एक सेंटेंस, द हाउस विच योर फादर बॉट वॉज एक्सपेंसिव। अब यहां फिर हमने हाउस के लिए लिखा और बिल्कुल सही लिखा हमने क्योंकि नॉन पीपल है, ऐसा ही है ना। yes. अच्छा विच योर फादर बॉट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यही रिलेटिव क्लॉज है ना। yes, अब इसमें मुझे बताइए कि विच सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सर, ये बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन या इस क्लॉज का भी ऑब्जेक्ट है ना। yes, sir. अब याद रखना है रिलेटिव क्लॉज में अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन पीपल हो या नॉन पीपल हो, अगर वो रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट हो, देखो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है उस क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, तो वहां दैट भी लिखा जा सकता है फॉर्मली, ठीक है, हु लिखिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां कोई दैट लिख ले तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट के अंदर इसको यूं यूज किया जाता है, यानी ये सेंटेंस यू भी हो सकता है, पहले वाले में मैं दैट यूज करता हूं द हाउस दैट वॉज एक्सपेंसिव, नहीं, दूसरे में मैं कर सकता हूं द हाउस दैट वॉज बॉट दैट योर फादर बॉट, मेरा ख्याल है समझ आ गया, क्लियर है भाई। इसमें हु लिखो विच लिखो ये भी ठीक है, दैट लिखो तब भी ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले केस में, सब्जेक्ट वाले केस में नहीं, उसमें हु विच ही आना है। जब आपको पता हो कि मेरा रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट है तो आपकी ऑप्शन खुल गई है, आप चाहो तो वो यूज कर लो, चाहो तो वो यूज कर लो, क्लियर। yes, अब एक और सेंटेंस लिखिए, एक और सेंटेंस लिखिए, वो उधर जी लिखो बेटा एक सेंटेंस और, एक एक करके देखते बुला क्यों ना, आंखों को काट रहे वो भी बंद कर दिया है ऊपर, चलो नजर आ रहा है ना, देखो अच्छा वो एक ही है, एक ही यही है, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया, बंद कर बंद कर, तेरा मुंह ऊपर ले जब आप देखते हो जब मुझे कोई समझ नहीं आई क्या जब आपको देखते हैं तो आप मुंह ऊपर अच्छा रोशनी करती है यार मेरी साइड ना लेना अच्छा बाद लोग तारीफ करने पर आए ना तो हशर करके रख आपको पता है, आपको खुद नहीं पता आप क्या चीज रील कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं भाई, होते हैं ना कई लोग नाज ही ऐसा तरीफ का होता है कि बंदा परेशान हो जाता है, चले लिखें अच्छा ये क्या लिखा, ये पहला पॉइंट क्लियर, इसी पे एक और लिखिए, लिखिए आई बॉट अ हाउस, आई बॉट अ हाउस डैश वॉज एक्सपेंसिव, खाली जगह छोड़ के लिखिए ना वॉज एक्सपेंसिव, और फिर लिखिए आई मेट अ बॉय डैश वन द मेडल, अच्छा अब इन दोनों में अपने फॉर्मूले के मुताबिक जो हमने रूल्स पढ़े उनके मुताबिक लगाइए क्या आएगा, एक में विच आएगा एक में क्या आएगा हुआ है। अच्छा अब मुझे बताइए जो आपका हेड नाउन है
हेड नाउन, वो बताइए कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या उसमें वो सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट में है, यानी हेड नाउन आपके एक्चुअल सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट। आई मेट अ बॉय, आई क्या है? सब्जेक्ट। मेट क्या है? वर्ब। बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। आई बॉट अ हाउस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी आपका हेड नाउन ऑब्जेक्ट में है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन अपनी क्लॉज का ऑब्जेक्ट हो तो, पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, वो रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट हो तो ऑप्शन खुली है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो आपके यानी आपका जो हेड नाउन है वो हेड नाउन खुद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो तो भी ऑप्शन आपके पास खुली है। आप चाहो तो हु और विच से लिख लो, आप चाहो तो दैट लिख लो। मेरा ख्याल बात समझ लीजिए, यहां तक ये पॉइंट क्लियर है भाई? आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई मेट अ बॉय, दैट वन द मेडल, और हु वन द मेडल। क्यों दैट और हु दोनों आ सकते हैं? क्योंकि हमारा हेड नाउन ऑब्जेक्ट में है। ये ऑब्जेक्ट में ना होता तो फिर मैं इसको क्या करता, यकीनन इसके साथ हु ही लिखता। और आई बॉट अ हाउस, दैट वाज एक्सपेंसिव, और विच वाज एक्सपेंसिव, दोनों ठीक है क्योंकि हाउस मेरे ओरिजिनल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जब हेड नाउन ऑब्जेक्ट में हो, हेड नाउन जिसकी जगह पर हम लगाते हैं, अगर वो खुद ऑब्जेक्ट में है तो दैट लिखो विच लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट का काफी आइडिया क्लियर होना शुरू हो गया, कंफ्यूजन होती थी दैट आएगा हु आएगा दैट आएगा विच आएगा पीपल नॉन पीपल, इससे हमें समझ में आना ठीक हो गया। जी जी यही तो कह रहा हूँ, दैट भी लग सकता है विच भी, क्योंकि हाउस के लिए लगा रहे हैं ना, तो हाउस इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कि नहीं? जी सर। तो ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए लिख सकते। गुलाम ने भी नहीं पता चल रहा हाउस के साथ विच भी आएगा दैट भी आएगा, विच भी आ सकता है या दैट भी आ सकता है, जो हुआ है उसके साथ वो भी आ सकता है दैट भी आ सकता है, यानी ऑप्शन है ना आपके पास, ऑप्शन खुल गई, ये लगा लो ये लगा, इनके अलावा नहीं लगाना। फॉर्मल राइटिंग, ये सारे फॉर्मल राइटिंग के लिए बता रहे। चलो आप नेक्स्ट। अच्छा जी, हु विच दैट की एक लॉजिक समझ आ गई सबको, नया पॉइंट इसका समझिए। नहीं ये खत्म हो गया, हू विच दैट में कंफ्यूजन नहीं होती, जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट सीखिए क्या है सर, ये अगर ये खुद अगर ऑब्जेक्ट हो अपनी क्लॉज का, देखें रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर अपनी क्लॉज का ऑब्जेक्ट हो तो फिर आपके पास ऑप्शन खुल गई, हू लगाओ विच लगाओ दैट लगाओ, वो फॉर्मल है। अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिस हेड नाउन पे लग रहा है वो हेड नाउन खुद ऑब्जेक्ट में हो तो भी आपके ऑप्शन खुली, यानी ऑब्जेक्ट के केस में, तो वो ऑब्जेक्ट कितनी जगहों भी हो सकता है, रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, दोनों सूरतों में आप उसके साथ लगा सकते हैं। सब्जेक्ट में हमने नहीं लगाना, सब्जेक्ट के साथ वो नहीं लग सकता, सब्जेक्ट में हु लगेगा विच लगेगा, ठीक होगी बात। अच्छा एक बात और भी लिखिए, द बॉय, इसी की थोड़ी सी एक्सपेंशन और देखें, द बॉय हु आई मेट इन द स्ट्रीट वॉज हैप्पी, अब जरा मुझे बताइए रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, रिलेटिव क्लॉज के अंदर तो यार हु आई मेट, आई मेट, आई मेट सब्जेक्ट कैसे है? अपने क्लॉज का सब्जेक्ट है, अपनी क्लॉज
अब देखिए हु आई मेट इन द स्ट्रीट, यही है रिलेटिव क्लॉज जी सर, सही। इसका वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है, आपको नजर नहीं आ रहा है, क्या मुश्किल है इसमें, कंफ्यूजिंग क्या है इसमें? हु आई मेट इन द स्ट्रीट, तो आई मेट, आप बताओ हूं, समझ आ रही है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसका मतलब है मैं जो मिला हूं वो इससे मिला हूं, तो ये क्या हुआ इसमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस याद रखना है इसका होता है हु, हूज और हूम, जैसे ही इज और हिम, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था ना, तो इसके अंदर ये हु आएगा, हूज आएगा, हूम आएगा, तो मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हूम। अगर ये अपनी रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट है तो यहां केस कौन सा आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा? हूम। द बॉय हूम आई मेट इन द स्ट्रीट इज माय फ्रेंड, ये बात समझ आ गई? अच्छा तो ये नहीं पता चल रहा तो पूछ लीजिए। अच्छा अगर मैं कहूं द हाउस विच योर फादर बॉट एक्सपेंसिव, विच योर फादर बॉट, अब ये रिलेटिव क्लॉज, बॉट ये कौन है? सब्जेक्ट ये वर्ब, तो बॉट क्या हुआ? विच, अब घर के लिए विच, अब यहां इसका भी कौन सा केस आना चाहिए? जैसे मैंने लिखा हु, हूज, हूम, तो विच का पता क्या होता है? विच, हूज और विच, तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव केस ये मैंने लिखा हुआ है, इसलिए ये सेम है। हु के केस में मुख्तलिफ होता है ये हूम और विच, इसलिए मुझे बदलकर लिखना पड़ता है। समझ आ रही है बात? सुहेल क्या समझ नहीं आई? हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? विच का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो बस यही मैंने बताया, इस केस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और इनका ऑब्जेक्ट कौन है? विच, तो ऑब्जेक्टिव केस विच है तो विच लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब अब ये ऑब्जेक्ट हु है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस हूम है, मैंने हूम लिख दिया। बस मैं कह रहा हूं जो रिलेटिव क्लॉज में जब वो खुद ऑब्जेक्ट होता है तो उसका केस भी कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। अच्छा फर्ज करें यहां पे मलकियत हो, मसलन मैं कहता हूं द हाउस हूज प्राइस, हूज प्राइस वॉज हाई वॉज सोल्ड, तो ये हूज प्राइस ये इसके लिए लग रहा है ना, तो ये देखिए ये नॉन लिविंग है, लेकिन दोनों सूरतों में विच हो दोनों सूरतों में ये क्या होता है? हूज। और अगर मैं यहां लिखता द बॉय हूज रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड वॉज हैप्पी, तो द बॉय हूज, हूज ही आना है ना, जिसके रिजल्ट का ऐलान हुआ, ये हूज इसकी पोजेशन को शो कर रहा है, तो लिविंग हो नॉन लिविंग हो दोनों सूरतों में, पीपल हो नॉन पीपल हो, पोजेसिव केस दोनों का सेम है। देखो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हु या विच, ऐसे ही है। पोजेसिव केस दोनों का ही क्या होता है? हूज। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हू और विच। तो रिलेटिव क्लॉज के अंदर सब्जेक्टिव हो तो ये लगाएं, रिलेटिव क्लॉज में ऑब्जेक्टिव हो तो ये लगाएं, पोजेशन शो करनी हो तो दोनों सूरतों में यही लगाएं। या इसमें तो बेटा समझ आ गई सब? हाँ जी पता चलिए इस बार, तो थोड़ा ख्याल रखा करेंगे आप, थोड़े से एक्टिव होके ना चलें लिखें नेक्स्ट। वो अगर मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखवाया हुआ तो मैंने गलत लिखवाया होगा, आपने उसे सही करना है, वैसे मैंने सही लिखवाई है। हाँ जी अब बताओ सम बॉयज हु केम लेट, अब केम क्या है? वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट हु बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, नहीं समझ आई? केम का केम वर्ब है ना, उसका सब्जेक्ट हमने लिखना है, तो वो सब्जेक्ट ही है, वो सही तो है। अच्छा अगर नहीं पता चल रहा तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ और फिर इनको एक बार बता देता हूँ, और अगर क्लियर हो गया तो बताएं। दानिश जी, असद जी सर,
हुआ करो समझ आ गई यस सर नुमान यस सर चलिए लिखिए नेक्स्ट Who, whose, whom, who, which, whose, which ये लगाना ये सब्जेक्ट में हूँ ऑब्जेक्ट में हूँ अपनी क्लॉज का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अच्छा अब ये बात याद रखनी है कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की जगह पे लगाना है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये यही रहेंगे द बॉय हु द बॉयज हु द हाउस विच द हाउसेज विच यानी सिंगुलर प्लूरल से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे हमने उधर पढ़ा था ना सिंगुलर प्लूरल होता है आई का हो तो वी यू के केस में सेम था ही शी इट का दे बन जाता था तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब के लिए यही है याद रहेगी ये बात चले अब लिखेंगे अच्छा भी अब जरा देखते हैं देखो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु है सब में जी सर मैंने आई लिखा तो ये उसके लिए सब्जेक्टिव केस ये तो क्लियर हो गया जी सर मैंने कहा सिंगुलर हो तो हु प्लूरल हो तो यू सिंगुलर जो भी हो तो ये अब आपने याद रखना है इसकी रिलेटिव क्लॉज कौन सी है ये सब में एक ही है जी सर अब याद रखना है अच्छी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन आरपी और उससे पहले उसका हेड नाउन रिलेटिव प्रोनाउन जिस हेड नाउन की जगह पर यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन में यहां वर्ब जरूर होगा होगा कि नहीं होगा अब रिलेटिव प्रोनाउन इन सब में सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट ठीक है याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब इस हेड नाउन के मुताबिक लिखा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में तो कुछ भी नहीं ना सिंगुलर हो तो फिर भी ये लगेगा प्लूरल हो तो फिर भी ये लगेगा तो ये वर्ब इसको देख के नहीं इसको देख के लगाते हैं मसलन फर्ज कीजिए यहां मैं लिखूं बॉय और हु तो इसके मुताबिक आगे इसे लिख दूंगा यहां अगर मैं लिखूं बॉयज और फिर लिखूं हु इसने तो हु ही रहना है लेकिन इसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा आर तो बताइए इस आई के मुताबिक ये क्या हो जाएगा एम इस यू के मुताबिक ये क्या हो जाएगा आर इस दे के मुताबिक ये क्या हो जाएगा आर पॉइंट समझ आ रहे हैं जी सर यानी ये जो कह लीजिए लिखे हैं इनको देख के इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इनके मुताबिक हमने ये वाला वर्ब लगाना है ठीक है और ये कब जब रिलेटिव क्लॉज के अंदर ये खुद सब्जेक्ट हो मसलन फर्ज कीजिए मैं कहता हूं द हाउस विच You are buying is expensive. अब देखिए the house is expensive. Actual sentence तो ये है ना? Yes sir. अब which किसकी जगह पर use हो रहा है? इसकी जगह पर. लेकिन इस sentence का subject हमारे पास है. अब ये नहीं है. अब house तो इस part का sentence का subject नहीं ना है. फैसला आपको नहीं पता चल रहा? सर थोड़ा चल ध्यान थोड़ा इधर करो बाकी का पता चल जाएगा देखो मैं कह रहा हूं द हाउस विच यू आर बाइंग इसको सिर्फ इतने हिस्से में मुझे बताइए इसका सब्जेक्ट कौन है तो जो वर्ब मैं लिखूंगा वो किसके मुताबिक लिखूंगा ये तो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक लिखूंगा ना तो इसके मुताबिक क्या आएगा आर ये जो है इसके मुताबिक मैंने ये लिख लिया द हाउस इज एक्सपेंसिव द हाउस विच यू आर बाइंग इज एक्सपेंसिव तो मैंने आपसे कहा कि ये जो होता है इसके बाद वर्ब इसके मुताबिक लगता है इसके कब ये खुद जब सब्जेक्ट हो
मसलन फर्ज करें मैं ऐसे कहूं द हाउस विच which were built last year अब देखिए ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है जी सर अब हाउस के मुताबिक मैंने इसे लिख लिया है द हाउस इज एक्सपेंसिव ठीक है अब इस क्लॉज के अंदर मैंने कहा कि ये जो वर्ब है अब ये विच यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन तो है लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी क्लॉज का सब्जेक्ट भी तो है ना yes, अब इसके मैं इसके मुताबिक कैसे लगाऊं तो मैं देखूंगा ये किसकी जगह पे लगा हाउस तो हाउस एक तो मैंने ये वर्ब लगाया अब इसी हाउस के मुताबिक इसे भी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा वॉज द हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर इज एक्सपेंसिव सब्जेक्ट अगर इसमें कोई और होता तो फिर तो उसी के मुताबिक हम लिखते ना ये बात समझ आ रही है yes, एक और लिख ले ये जो है ये सब्जेक्ट है और 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 ये जो है ये सब्जेक्ट है और
For the sake of his country. सोच के अच्छी तरह करनी है, वजह कुछ नहीं मैंने क्यों, और सारा सेंटेंस पढ़ के करेक्ट करना है. Who किसकी जगह पर यूज हो रहा है? और अपनी क्लॉज का ये सब्जेक्ट है ना, अपनी क्लॉज का सब्जेक्ट है, तो इसके मुताबिक यानी फिर पॉलिटिशियंस के मुताबिक क्या आएगा? Have. लेकिन वर्ब भी सिर्फ है आएगा, ये आगे जाके भी देर लिखेंगे. Who have sacrificed या क्या है? Who have? Never sacrificed for the sake of his country or their country. Their country. यानी इसका मतलब असल में politicians उनकी explanation हो रही, तो आखिर तक देर तक उसे करने. लिखिए one of the politicians
हैव बीन अरेस्टेड, ये बताइए सही है गलत है? वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव बीन अरेस्टेड, क्यों? वन सब्जेक्ट है ऑफ द पॉलिटिशियंस नहीं है, ठीक है? पॉलिटिशियंस में से वन हैज बीन अरेस्टेड, तो वहां पॉलिटिशियंस के बाद हू लिखा हुआ था इस वजह से, मेरा ख्याल है समझ के बात है, ये भी लॉजिक क्लियर हो गया। चलिए अब एक सेंटेंस लिखिए, द बॉय हूज पेरेंट्स डैश हैप्पी इज माय फ्रेंड, अब सोच के जवाब देना यहां क्या आएगा। चलिए एक और लिख लें, लिखें द बॉय हूज मदर, द बॉयज एस के साथ लिखने, द बॉयज हूज मदर डैश हैप्पी आर माय फ्रेंड्स, अब बेटा ध्यान से सुनो, ये जो हमने लॉजिक पढ़ा है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी जगह पर यूज होता है, ये सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो तो उसके मुताबिक, पोजेसिव केस में जो पोजेशन के बाद लिखा होगा, पोजेसिव केस अब हम लिखते हैं योर ब्रदर और योर ब्रदर्स, तो नाउन तो मेंशन होता है उसके साथ, तो इसका कह लीजिए जब भी लिखेंगे वो नाउन साथ मेंशन होगा उसके मुताबिक वर्ब लिखेंगे, जैसे पेरेंट्स लिखेंगे तो क्या आएगा आर, क्लियर? और मदर लिखेंगे तो उसके मुताबिक क्या आएगा इस, अगर पास्ट होता तो उसके लिए वर्ब और इसके लिए बॉस, यानी पोजेसिव के केस में हमने उसी को देखना होता उसी के मुताबिक करना, नहीं बेटा जो पोजेसिव केस होता है ना, देखो मैं कहूं अगर माई ब्रदर तो एक है ना, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर्स आप क्या लिखूंगा आर, यानी जो हूज है ये माई वाली फोर्स है ना, इसकी सब पोजेसिव है, तो इसके बाद नाउन लास्टली मेंशन होगा, जब नाउन मेंशन होगा या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर पर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, हमें उधर जाने की जरूरत ही नहीं है कि उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या, यानी उसका हेड नाउन क्या है, ठीक है भाई? वो लड़के जिनकी अम्मी, वो लड़का जिसके वालदैन, तो जिसके वालदैन जिसकी अम्मी, ये तो सिंगुलर प्लूरल इसी क्लॉज में होंगे, उस पर नाउन के साथ नाउन लिखा होगा कि नहीं, हूज के साथ तो वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, मेरा ख्याल है समझ नहीं। नेक्स्ट यार क्या, पहले में पेरेंट्स लिखा तो क्या आएगा आर, प्रेजेंट का केस अगर है, और बाद में हमने हूज मदर लिखा तो मदर के मुताबिक क्या होना चाहिए, मदर क्या लिखा, मदर मदर एक है ना, yes, मदर एक लिखवाई है मैंने अम्मी यानी वो सारे लड़कों की अम्मी एक है, भाई है उसका अम्मी ये बता दूंगी यार, चलो अब लिखो जरा, ये बात नहीं समझ आ रही है, चलिए लिखे नेक्स्ट, आई नीड अ टीचर, नेक्स्ट बेटा लॉजिक देखिएगा, आई नीड अ टीचर फॉर माय सन हु मस्ट बी 15, पहले मुझे जुमले का मतलब समझाइएगा, आई नीड अ टीचर फॉर माय सन हु मस्ट बी 15, मुझे एक उस्ताद चाहिए अपने बेटे के लिए जिसकी उम्र, अच्छा हु मस्ट बी 50 किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए या टीचर के लिए, तो याद रखना जो रिलेटिव क्लॉज होती है वो हेड नाउन के फौरन बाद लगती है, हेड नाउन कहां लिखा हुआ है,
हेड नाउन कहाँ लिखा तो ये पूरी क्लॉज उठाकर उसके साथ लिखिए, ये गलत है. आई नीड अ टीचर हु मस्ट बी 50 फॉर माई सन. ये तो हो गया सन हु मस्ट बी 50, लिखे हुए का मतलब ये बन गया. Who must be 50, 50 तक हो. I need a teacher. Who must be 50 for my son? एनी टीचर हु मस्ट बी 50. ए का क्या मतलब होता है? एनी टीचर दा का तो मतलब है मुझे पता है वो कौन सा 50 साल वाला टीचर. ठीक है. अच्छा जी नेक्स्ट, ये रिलेटिव क्लॉज कहां लगती है? हेड नाउन के इमीडिएटली आफ्टर. इसे दाएं बाएं करेंगे तो गलत होगा. द बॉय इज माय ब्रदर हु स्टूड फर्स्ट, ये गलत है. द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माय ब्रदर. चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं. ये आपके पेपर में आया होगा. ठीक है, पास पेपर करेंगे सॉल्व तो उसमें आएगा. लिखे ही ब्रॉट द आर्टिकल्स, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट. Which he wanted to sell at high price. आप समझ आ रही बात? अगर वहीं पे लिखा रहता तो इसका मतलब था मार्केट विच ही वांटेड टू सेल. तो मार्केट बेचनी है कि मेरा ख्याल ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. यानी रिलेटिव क्लॉज is placed immediately after the relative pronoun or head noun. Head noun के फौरन बाद उसे लगाना है. उसको split नहीं कर सकते. कोई exception भी नहीं है. अच्छा एक और देखिए, the newspaper of the week. The newspaper of the week which he gave me was interesting. The newspaper of the week was interesting which he gave. The newspaper was interesting which he gave. अब आप मुझे बताइए newspaper of the week ये जो लिखा which he gave me ये which newspaper के लिए लगा ना, तो split क्यों मार लिया? इसको तो newspaper के form में आ जाना चाहिए. और ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ही है. अब असल में मैंने आपसे कहा कि इसको स्प्लिट करके नहीं लगा सकते, कहीं इधर उधर लिखोगे गलत होगा. अब इसके दरमियान में देखिए द न्यूज़पेपर ऑफ द वीक, अंडरलाइन कर लीजिए ऑफ द वीक. ये तो डिफाइन कर रहा है सर, कौन सा न्यूज़पेपर.
अब यही बात मैं आपसे कहने लगा हूँ, बिल्कुल सही इम्तियाज पहुंचा कि ऑफ द वीक जो है ना ये उस न्यूज़पेपर की एक्सप्लेनेशन है, अभी वो वही चल रहा है। अब न्यूज़पेपर विच फर्ज कीजिए ऑफ द वीक की जगह पे उंगलियां रख लीजिए और देखिए सेंटेंस बना था न्यूज़पेपर विच ही गेव मी वाज इंटरेस्टिंग, तो ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर है, लेकिन हम इस न्यूज़पेपर को अभी डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर ऑफ द वीक। अब हमारा यहाँ पे ये खत्म हुआ और फिर मैं उसकी जगह पे विच लिखूंगा। जी सही है सर, समझ आ रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन है ऑफ द वीक। तो ये नहीं देख रहा न्यूज़पेपर की जगह पे लग रहा है, भाई नहीं, न्यूज़पेपर ऑफ द वीक इस पूरे की जगह पे विच लग रहा है। एक्सप्लेनेशन पूरी हुई है तो आप पूरी बात हुई ना भाई, वो न्यूज़पेपर की जगह पे लग रहा है या न्यूज़पेपर ऑफ द वीक की जगह पे लग रहा है, पूरे की जगह पे भी विच ही लगेगा। मेरे ख्याल समझ गए, तो स्प्लिट होने का ये मतलब ना समझिएगा कि देख के अंदाजा लगा रहे हो वो दूर ही है, ये नहीं करना। एक और लिख, आपको पता है बात बता के फौरन से पहले उसके जुमले दाइमा क्यों करता हूं कि किसी तरह आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला ना बैठ जाए, क्योंकि जल्दी जो नहीं करते पहले खेड़ा हुए ना उनके साथ, ऐसे नहीं करना, ये नहीं बस करना। इसको देखिए अभी तक डी लर्निंग हमें इसके ऊपर करनी पड़ती है, फिर भी कभी ना कभी दिल करता रहता है जो हो सकता है। लिखे तरह I have read R E A D, read, 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 spelling वही pronunciation का फर्क दादा वास्ते सब। I have read Byron's poetry, B Y R O N apostrophe S, Byron's poetry. Who was a lover of nature? अब सोच के जवाब दो। आसिफ ठीक है यार, एक चीज पहले ध्यान से देखो, अगर आप बायरन्स पोइट्री कह रहे हो तो क्या हु बायरन्स पोइट्री की जगह पे यूज हो सकता है? नहीं, आप कहते हैं मैं विच लगा दूं, विच लिखने से पोइट्री को तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, हमने एक्सप्लेनेशन किसकी दी है? बायरन की। तो बायरन्स पोइट्री अब उसको ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो बिल्कुल सही किया। आपका क्या नाम है? पोइट्री ऑफ पोएट। जाहिर ने बिल्कुल सही कहा, इसको बायरन्स पोएट्री की बजाय कहिए द पोएट्री ऑफ बायरन। आई हैव रेड द पोएट्री ऑफ बायरन हु वाज अ लवर ऑफ नेचर। तो देखिए बायरन आ गया, हु वाज अ लवर ऑफ नेचर हो गया। आई हैव रेड पोएट्री ऑफ बायरन। जी अब वो हु वाज अ लवर ऑफ नेचर एक्सप्लेन हो गया ना, अगर हु वाज अ लवर ऑफ नेचर ना होता तो बायरन्स पोएट्री बिल्कुल ठीक था। अब ये इसलिए बताया कि बायरन्स पोएट्री सर ने कहा तो सारे वासे लाना सले जिसकी जगह पे लग रहा है, तो बायरन्स पोएट्री की जगह पे तो हूं ही ना लग रहा, वो तो बायरन के लिए लग रहा था, तो हमने उसको ब्रेक करके उसको रिवर्स करके नहीं कर सकते। लिखो नेक्स्ट, तंग ना पड़ जाना जल्दी, ठीक है। पता क्या जी, यकीन कीजिए एग्जामिनर हमारे इतने फनकार हैं, इतने तेज हैं, मतलब आप पास पेपर कोई 2018 का नहीं ना, कल मैंने उनको सॉल्व करवाया तो किसी बच्चे से उसको सलूशन देख लीजिएगा, यानी कल मैंने उनसे पूरा खुद कहा सॉल्व करें, पहली बार नंबर लगाए, किसी बच्चे के 15 बने, किसी के 21 बने, किसी के 18 बने, और रीजन उन्हें बताएगा, मुझे बताएं कि नंबर आप खुद बताएं, खुद अपने हाथ से काउंट करके बताएं, तो जब अपने हाथ से काउंट कर रहे हैं तो कह रहे हैं 15, 4, 9, 21, 22, 31। अच्छा अब बच्चे टैलेंटेड हैं, उन्हें काम भी आता है, उन्हें चीजें भी आती हैं, प्रॉब्लम क्या है? पेयर्स को, ईडियम्स को, एरर्स को, पंक्चुएशन को मुंह ही नहीं लगाया हुआ, एक नंबर, दो नंबर, सौरा जोर, प्रेस ही सही हो जाए, प्रेस ही सही, भाई वो तो सही होनी चाहिए, हर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, 7 ठीक हो 70 नंबर आएंगे, तो 7 के 7 पर काम करो। ये जो आप कर रहे हो ना, इंशाल्लाह जब लिखने में होंगे देखोगे चीजें, आपका दिमाग अभी आप खुद पढ़ते हुए
अखबार पढ़ते हुए कितने लोगों को फील होता है बहुत बेहतर हो गए, ईमानदारी से बताना है कि काफी सेंस क्लियर होती है चीजों का, कोई तो कभी सीरियस कोई फर्क नहीं, कोई फर्क जब बायरन्स पोइट्री में कहता हूं उसकी जगह पे हु लिखूंगा तो वो हु बायरन की जगह पर मैं लिखना चाह रहा हूँ, पोइट्री की जगह पर लिखना चाह रहा हूँ, क्या किसकी जगह पे लिखना चाह रहा हूँ, बायरन की जगह पर, तो फिर मैं पोइट्री ऑफ बायरन क्या लिखता हूँ, मीनिंग तो फर्क तो कोई ना है, असलम्स बुक और बुक ऑफ असलम दोनों पहला सेंटेंस गलत है यार, बायरन्स पोइट्री की जगह पे हु लग सकता है, देखो बायरन्स पोइट्री, बायरन्स पोइट्री क्या है कि मैं कहूं विच इज इंस्पायरिंग, अब ठीक है क्योंकि अब मैं पोइट्री की जगह पे लगा रहा हूं, बायरन पोइट्री की बात कर रहा है अभी समझ आएगा, अच्छा बाइक में से समझ आया, नेक्स्ट लिखो ही टॉप्ड, नया फिक्रा लिखवा रहा हूं, ही टॉप द एग्जामिनेशन विच वॉज डिफिकल्ट, सही है गलत, बिल्कुल नेक्स्ट, ही टॉप द एग्जामिनेशन Which hurt his relatives. उसने इम्तहान टॉप कर लिया, उसके सारे रिलेटिव्स को बड़ी शदीद तकलीफ पहुंची। अच्छा दांत आप ऐसे निकालती हैं जैसे आप किसी के रिलेटिव्स नहीं। जी, हम चीजों को हमेशा अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं। Which hurt his relatives. सही है गलत? गलत। क्या गलती है? ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं लग रहा, तो ये विच किसकी जगह पे लग रहा है आप बताइए, मुझे नहीं पता, बताइए किसकी जगह पे लग रहा है जी, अब विच एग्जामिनेशन के साथ नहीं लग रहा, टॉप के साथ नहीं लग रहा, ही के लिए नहीं लग रहा, या कि ही टॉप द एग्जामिनेशन इस पूरी बात के लिए लग रहा है, पूरे सेंटेंस के लिए लग रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा सेंटेंस, यानी बजाते खुद ये सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आखिर पर हम ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे सेंटेंस को जब एक्सप्रेस करना होगा तो सिर्फ विच लगेगा और कुछ नहीं लग सकता, ना दैट लगेगा ना कोई और, पॉइंट नंबर वन, और दूसरा कॉमा लगा के इसे अलहदा करेंगे, यानी अब इस विच के साथ कॉमा भी आएगा, पहले विच के साथ कॉमा आएगा, नहीं वो एग्जामिनेशन के लिए था, नहीं यार कॉमा, कॉमा लगा के एंड पे तो फुल स्टॉप आ जाना, एग्जामिनेशन के एंड के बाद कॉमा आएगा, देखो यूं आएगा, ही टॉप द एग्जामिनेशन कॉमा विच हर्ट हिज रिलेटिव्स फुल स्टॉप, विच के बाद नहीं, विच से पहले कॉमा आएगा, यानी कॉमा लगा के इस पूरी क्लॉज को लिखेंगे, अब ये भी रिलेटिव क्लॉज है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन ये किसी एक नाउन पर नाउन को नहीं, पूरे सेंटेंस के आइडिया को एक्सप्रेस करती है, तो ये मैंने बताया इसके लिए दैट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, या दैट लिखा भी हो तो गलत होगा, लेकिन ये आपने समझना, ये नो एग्जामिनेशन के लिए लिखा हो तो उसके साथ वहां हमारे पास जब ये पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करें, यहां विच देखिए किसको एक्सप्लेन कर रहा है, पूरे सेंटेंस को ही कर रहा है ना, ही टॉप द एग्जामिनेशन, लिखे माई यंगर ब्रदर वन द गोल्ड मेडल That was surprising.
करें जरा इसको सोच के कीजिए। जर्नल लिखवा रहा हूं कहीं से भी बताइएगा सही है गलत है। His teaching is like, his teaching is like, like इकबाल, his teaching is like इकबाल, His teaching is like Iqbal's, बस है सर। अगर इकबाल टीचिंग सेम सी अगर लिखो his teaching is like Iqbal's teaching, ठीक है तो टीचिंग पहले मेंशन हो गया हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फर्ज करें इकबाल ना होता, यहाँ लिखा होता लाइक मी, फिर क्या कहता मैं माई, हिज टीचिंग इज लाइक माई टीचिंग, हिज लाइक हिज टीचिंग इज लाइक माइन। जब टीचिंग पहले लिख लें जैसे दिस कार इज माइन, दिस हाउस इज माइन, तो जो पहले लिख लेते हैं तो उसके बाद तो फिर वही लिखते हैं ना पोजेसिव प्रोनाउन, तो वो इकबाल इकबाल ही होता है। चलो नेक्स्ट लिखो जरा, he is such a boy, that everybody admires, so which everybody admires, लिख लो फिर कर ले। दूसरा लिखो, this is the same book which I was looking for, this is the same book looking for, जिस समय ढूंढ रहा हूँ नेक्स्ट लिखिए, हियर इज योर बुक, हियर 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 होता है हेयर नहीं होता, हियर इज योर बुक, ये रही आपकी किताब, हियर इज योर बुक फुल स्टॉप प्लीज रीड, here are two books, full stop, please tell me which is yours, yours में cost of ही आता है। चलो बताओ जरा,
पहला सेंटेंस पढ़ के मुझे बताइए इसमें क्या गलती है। ही इज असिस्टेड बाय द एवरीबॉडी एट माय जी सही है गलत है क्या सर दैट की जगह पे विच है। चलो जी दैट अंडरलाइन करके उसकी जगह पे विच लिख लें। चलिए जी इनका कहना होम आना चाहिए होम लिख लीजिए और मुझे वजह भी तो बताइए विच क्यों आना चाहिए। ये जो आगे आप लिख रहे हैं लफ्ज उसको ध्यान से समझे वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है जी। तो ही इज सच अ बॉय इस पूरे फिक्रे की एक्सप्लेनेशन हो रही है या सिर्फ बॉय की हो रही है। तो ध्यान से गौर करो पूरे जुमले की हो तो विच वगैरह लगाते हैं ये तो पूरे सेंटेंस की नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस तो इस के बाद जब मैं कहता हूँ ही सच अ बॉय तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं है क्या ये ही सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया ना सच अ बॉय तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है उसके बाद सब्जेक्ट ही आई होम आएगा। एवरीबॉडी एडमायर्स तो आप कह रहे हैं एवरीबॉडी एडमायर्स इसका सब्जेक्ट एवरीबॉडी है हु इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो होना चाहिए होम एवरीबॉडी एडमायर्स यही कहना चाह रहे हैं। ही सच अ बॉय होम एवरीबॉडी एडमायर्स तो इसको भी क्रॉस कर लीजिए लिख के हु भी गलत है होम भी गलत है विच भी गलत है दैट भी गलत है जी ही एवरीबॉडी है क्या ही ये पावर दो और अपन की तरफ अच्छा बोलिए नहीं ना पता चल रहा। अच्छा असल में ना दिमाग नहीं यूज कर रहे ध्यान से तवज्जो से देखिए इस फिक्रे का मतलब मुझे समझाएं क्या है। अच्छा गौर से वो ऐसा लड़का है सुनिएगा मेरी बात अब एक सेकंड के लिए कंसंट्रेट कीजिएगा अपनी ऑडिटरी सेंस। वो एक ऐसा लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं वो ऐसा लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं या वो ऐसा लड़का है जैसे लड़के की सब तारीफ करते हैं इस फिक्रे का मतलब बताइए क्या है। भाई उसी लड़के की तारीफ करते हैं या उस जैसे लड़के की तारीफ उसी लड़के उस जैसे लड़के। अगर उसी लड़के का होता तो मैं सच ना लिखता मैं कहता ही इज द बॉय हूम एवरीबॉडी एडमायर्स। जब मैंने लिखा सच बॉय ही सच बॉय ऐसा लड़का है जैसे लड़के की सब तारीफ करते हैं। देखो एक दूसरा जुमला पढ़ो दिस इज द सेम बुक फर्ज करे सेम ना लिखा हो तो मैं कहता हूं दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर ये वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब मैं कह रहा हूं ये वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था या ये वैसी ही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था तो ये वही किताब तो ना हुई जो मैं आगे विच लिखूंगा वो तो इस पर नाउन का पर्सनल होता है ना उसकी जगह पर एग्जैक्ट लगता है तो क्या हम उस नाउन की जगह पर ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा यहाँ नहीं क्योंकि वो बॉय के लिए हम नहीं लगा रहे बुक के लिए नहीं लगा रहे। जब मैंने सेम लिखा या सच कहा तो मैंने कहा उनके जैसे मेरा ख्याल है बात समझ भाई क्यों नहीं आएगा होम क्यों नहीं आएगा विच क्यों नहीं आएगा दैट क्यों नहीं आएगा हु भाई हु ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन आता अगर इससे पहले वाले नाउन की जगह पर मैं लिख रहा होता तो मैं उस नाउन की जगह पर नहीं लिख रहा मैं कह रहा हूं जो ये नाउन है ना इसके जैसे जो बाकी है जैसे उनकी तारीफ करते हैं ना वो ऐसा लड़का है जैसे लड़के की सब तारीफ करते हैं तो उसकी नहीं उस जैसे सारे लड़कों की जो तारीफ करते हैं। अब मेरा ख्याल पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो अब ये जो लाइकनेस है ना इसको शो करने के लिए हमें लफ्ज चाहिए तो लाइकनेस शो करने के लिए सिंपल सा वर्ड जो होता है वो एज होता है एज एवरीबॉडी एडमायर्स ही सच अ बॉय एज एवरीबॉडी एडमायर्स। अब यहां प्रोनाउन एज लग रहा है जो लाइकनेस को शो कर रहा है ये यहां पर विच हूं क्यों नहीं लगा क्योंकि वो उसकी अगर सच में खत्म कर दूं तो क्या बन जाएगा ही इज द बॉय हूं एवरी वो लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं वैसे ही लड़का है जैसे लड़के की सब तारीफ करते हैं तो उन लड़कों के जैसा है
अच्छा दूसरे फिक्रे में बताइए क्या होगा एज आएगा दूसरा घड़ी दिस इज द सेम बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर भाई विच दैट तो उस बुक का पर्सनल होता यानी उसकी जगह पर मैं लिखता तो मैं उसकी जगह पर लिख रहा हूं या उसके जैसी किसी और की जगह पर तो दिस इज द सेम बुक एज आई वॉज लुकिंग फॉर लेकिन बिल्कुल वैसी किताब है जैसी किताब मैं ढूंढ रहा था। अब ये वाला रूल नंबर डालेगा सच और सेम के बाद हमेशा एज लगा इसको यार छोड़ना बात को समझना है कि भी रिलेटिव प्रोनाउन यहां नहीं लग सकता क्यों क्योंकि इन नाउंस की जगह पे यूज नहीं होना सेम खत्म कर दीजिए सच खत्म कर दीजिए क्लियर है चलो नेक्स्ट लिखो तीसरा जुमला बोलिए क्या था क्या हाँ जी हियर इज योर बुक ये लीजिए आपकी किताब प्लीज रीड अब रीड क्या कह रहे हैं पढ़ो किसे पढ़ो इसी किताब को तो उसका आपको प्रोनाउन लिखा रीड इट तो समटाइम्स ऐसे होता है हम प्रोनाउन को मिस कर देते हैं समझ आ गई प्लीज रीड इट इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन को ओमिट कर देते हैं चलो नेक्स्ट बोलिएगा नेक्स्ट अब इसका मतलब बताइए क्या है ये रही दो किताबें प्लीज टेल मी व्हिच इज योर अब देखो विच किसकी जगह पर यूज होता है जो लिखा अब दो किताबें हैं अब इन दोनों किताबों में से आपने बताना है ना आपकी किताब कौन सी है विच लिखे आप तो दोनों के लिए है अब दोनों में किसी एक के लिए लिखना तो विच के साथ क्या लिखोगे विच वन इज योर्स प्लीज टेल मी विच वन इज योर्स ये बात भी समझ आती नेक्स्ट सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर कौन सा ये रिलेटिव प्रोनाउन आप इसके नहीं कहता कि कोई नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले नाउन की जगह पे लगता है ना जी सर तो क्या दैट हु विच यहां जो इससे पहले नाउन लिखे हुए क्या उनकी जगह पे लग रहा है वो नहीं सर उनके जैसे किसी नाउन की जगह पे लग रहा है ना यस सर तो उनके जैसे किसी नाउन के लिए हमने सिमिलर प्रोनाउन चाहिए तो उस प्रोनाउन को हमने क्या कहा लाइकनेस का प्रोनाउन एज लिख दिया हमने एज एवरीबॉडी एडमायर्स कल प्रोनाउन की एक्टिविटी जाके घर से कीजिएगा कल आपको बताऊंगा प्रोनाउन रेफरेंस और प्रोनाउन राइटिंग प्रोनाउन कंफ्यूजन क्या होती है प्रोनाउन राइटिंग्स के अंदर कैसे कंफ्यूज करता है प्रोनाउन शिफ्ट किसे कहते हैं प्रोनाउन की सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी की जो है हमारी राइटिंग्स के अंदर हमें किस तरह काम करती है ये सारी बातें प्रोनाउन की करेंगे क्लियर सर वो आपने कहा इसे स्टार्ट करेंगे चलो जी ऐसे भी स्टार्ट करते हैं ऐसे से पहले देखिए एक बात ऐसे बेटा इस बीच में हो जाएगा शुरू और ना सिर्फ होगा बल्कि बहुत अच्छा असल में ऐसे जो है ना मेरा दिल है कि उसकी ना कोहिजन से शुरू करें कोहेसिव डिवाइसेस से तो प्रोनाउन के बाद मेरा जहन है यानी वैसे पढ़ना तो हमें एडवर्ब चाहिए लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंजंक्शन शुरू कर दें फिर वो कंजंक्शन पढ़ेंगे कोहेसिव डिवाइसेस सारी प्रोनाउंस भी हैं ये जो ये पढ़ रहे हैं ना क्या नाम है इनका रिलेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स और ये सब ये भी उसके लिए जो है ना यूज होते हैं तीन तीन जुमले इकट्ठे एक जुमले में कैसे लेकर आते हैं ठीक है तो इस वीक में कर लेंगे आज नहीं होता कल बहरहाल इसमें ऐसे शुरू होगा और जिस दिन शुरू हो जाएगा फिर वो आखिर तक ही जाएगा ये चीजें सिर्फ जो पढ़ रहे हैं ना ये मतलब हमारे ऐसे की ही बेस है ये सब चीजें यहाँ वहां पर पुट करनी है ये जो दूसरी कोई क्लास आए थे उनको इतने दिन किसी पे नहीं लग रहे उनको मैंने सिर्फ चंद रूल्स बताने बेसिक्स साथ में आना और फिर लेके चलते हैं तो आप जो पढ़ रहे हो ये ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा मतलब नाउन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश है मेरी ज्यादा डिटेल्ड और ऐसा इसमें से भी अब जो बात करने लगे ध्यान से सुनिए आपने ये पढ़ा आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छे बात उनका ना मॉरल जो है ना वो कह लीजिए मोरल या मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाता है यानी इंग्लिश के लिए ओवरऑल महीना दो नहीं दिल कर रहा पढ़ रहे हो देखेंगे यार होगी तैयारी ठीक है नहीं ये जो लेवल है ना इसको कंट्रोल कीजिए ठीक मोटिवेशन का लेवल कभी भी अपना डाउन नहीं होना अच्छा अब मोटिवेशन रह गई मोटिवेशन किससे लेनी सर से लूं फलाने को सुनूं धमकाने को तो आपको मैंने कहा था बजाते खुद मोटिवेशन लेना जो है ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज है
वजह मोटिवेशन की आस में, उसकी कह लीजिए कि सोच में ही आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार ना मैं कोई लेक्चर सुनता हूँ, मैं जितनी देर आपने वो लेक्चर सुनना है उतनी देर में को काम कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। जैसे मैं आपको तंज से कहता था कि आप अपने गर्म बिस्तरे में बैठ के मेहनत की अजमत पर एक लेक्चर सुन रहे हैं, हठधर्मी से बैठ के आप सोच रहे हैं काम करने के फायदे कितने हैं। तो याद रखिएगा ये इससे कोई चीज नहीं होती। किसी बच्चे ने सुबह कहा, मतलब बलोचिस्तान का था, मैंने कहा काम, तो जब आया था तो फीस की वजह से बड़ा कह रहा था मेरे हालात ऐसे चीजें, आपको पता फीस में मैंने नहीं की उसकी कंसेशन, मैंने कहा यार किसी और शक्ल में फेवर ले लेना। दूसरे तीसरे चौथे दिन भी मैंने कहा तो काम नहीं उसने किया हुआ था, मैंने कहा मैंने आपसे जरूर पूछना। एक सिंपथी क्रिएट हो गई कि यार एक बच्चा जिसके पेरेंट्स जैसे जिस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं वो यहाँ आ गया, उसने हालात जैसे भी बताया, अब झूठ सा चल्ला के साथ बेहतर जानती है, लेकिन उसने कहा मुझे शदीद तकलीफ पहुंची। तो मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फिर की हो गया यार क्या मतलब, तो मुझे इतनी तकलीफ पहुंची कि मोटिवेशन चीजें, यकीन करें मोटिवेशन पता आप मार क्यों जाती, आपने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप जो चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपको दे देते हैं, खाना कपड़े जूते चीजें, आपने उनको बदले में क्या दिया। अच्छा आप कहेंगे मैं इज्जत दी, वो यार कोई इज्जत उज्जत नहीं, इज्जत ये है कि आप जिस मुकाम पर पहुंचो, आप पढ़ रहे हो कर रहे हो, लकी वंस हो कि आपके पेरेंट्स अपनी हार्ड एंड मनी आप पर लगा रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कितने आप खुशकिस्मत होंगे। क्या मोटिवेशन के लिए ये काफी नहीं कि आप ऑफिसर बने, एक हुटर वाली गाड़ी आपके घर में, आप उसकी फ्रंट सीट पर अम्मी को बैठा कर अम्मी को कोई ब्रांड का सूट पहनाए, उन्होंने जिंदगी भर अच्छे कपड़े सिर्फ इसलिए नहीं पहने कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, आप अब्बू को कोई बेहतरीन सूट कोई सफारी सूट इसलिए लेकर दें कि यार इन्होंने जिंदगी भर अपनी ख्वाहिशें काट करना हमारे लिए बड़ा कुछ किया हुआ। वो सोचिए वो जो खुशी आपको मिलेगी कहां से मिलेगी, ये खुशी उनके लिए क्या यही आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी रातें अपना दिन अपना आराम सैक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनकी कुर्बानियों को एक लम्हे के लिए सोचे, आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं एक लम्हा भी अपना जाया करूं। शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, आपको क्या पता कि कहां कैसे किस तरह से पेरेंट्स पैसे देते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी है उनकी, समझ आ गई है, ये रियलिटी है। पेरेंट्स गुस्से में मतलब कह रहे नहीं है मेरे पास पैसे, चलो जाओ भाई अपना कमाओ, वो आपसे पैसे नहीं ना लेते और आप अपना अर्न करके पढ़ रहे हो, तो यकीन करें ये फिर भी उनका एहसान है आपके ऊपर कि वो आप बड़े हैं जवान हो गए तो आपको बार बार उनसे पैसे मांगना चीजें मांगना दे सकते हैं, आप ही के हैं सारा कुछ है, लेकिन डिग्निटी जो है ना इस तरह नहीं है, इस तरह याद रखिएगा जो गिवर्स होते हैं ना हमेशा पुरसकून होते हैं, जो टेकर्स होते हैं ना वो अच्छा खाना खा सकते हैं अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन जो सुकून जो खुशी है ना वो हमेशा देने भी मिले। और जब आप पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जिसके पेरेंट्स हैं और खासतौर पर आप मीडियोकर फैमिली से हैं तो बहुत कोई पोश और बड़ा कोई जबरदस्त नहीं है, उनके लिए उनकी नजरों को कभी बैठ के उनकी शक्लें अपने जहन में रख लें, अम्मी की तस्वीर कमरे में लगा के रख लें, ये कि मेरी माँ की इतनी कुर्बानी है, मेरे बाप की इतनी कुर्बानी है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उनके घुटने घिस गए, मतलब उनकी सारी चीजें सिर्फ इसलिए यार औलाद के लिए कुछ हो जाए, मेरे बच्चे किसी मुकाम पे पहुंच जाए, और बच्चे यहाँ पे मोबाइल पे वक्त जाया करते हैं, इधर घूमो उधर टीचर को सर्टिफिकेट, सोचो एक लम्हे के लिए कितना तकलीफ दे ये बात, तो पता चले काम ही काम नहीं किया बस वो वैसे एम, यानी कोई खास वजह नहीं है काम ना करने, हर्डर आ हुई ना और क्या है। तो अपने आप को बदलेंगे तो नसीब बदलेगा, नसीब के राइटर आप खुद हैं, समझ आ रही, और नसीब हमेशा मेहनत से लिखा जाता है, उसकी इंक की मेहनत है। अब आप चाहते हैं कि मैं उसको लिखूं राइट करूं, जो आप चाहोगे वही होगा, वो घिसे पिटे शेर ही सही, लेकिन आपने बहुत बार सुने होंगे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, समझे, मिटा दे अपनी हस्ती को कर कोई मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, यानी वो गुल होगा गुलजार होगा फूल हो कुछ भी बनेगा, पहले एक बार उसको मट्टी में अपने आप को आपको दफन करना पड़ेगा, अगर आपने बीज की शक्ल के में फूटना है कहीं पहुंचना है। तो यार पेरेंट्स से बड़ी को मोटिवेशन है, आपके छोटे बहन भाई हैं बड़े बहन भाई हैं फैमिली है खानदान है, पसंद करते हैं कई लोग आपको नहीं पसंद करते, आपके पेरेंट्स हम सब किसी ना किसी की किताब के विलन जरूर हो गए, आप जितने भी अच्छे हो कुछ लोग आपको कभी नापसंद नहीं करते, मतलब कुछ आपको हमेशा ही नापसंद करते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हो ना, यानी आप समझते हो यार जिंदगी भर की जो उनकी मोहब्बत है मैं अगर कुछ सिला दे सकता हूँ तो वो खुशी का एक लम्हा है मैं कहीं पहुंच जाऊं, समझ आ रही, वो सोचिएगा एक लम्हे के लिए उनका कितनी उन्हें खुशी होगी इस बात के ऊपर, उन्हें उन सेक्रीफाइसेस का बदला मिलेगा जो उन्होंने की हुई, लेकिन वो आपसे तो शेयर भी नहीं करते हूँ।
बताते भी नहीं होंगे, कभी पैसे मांग ले डांट देते होंगे, यार तू राम ना बैठे, तू शर्म ही नहीं आती, तू बस जुबान चला देना। वो एक दिन एक बच्चा बता रहा था, कहता सर मैं घर फोन कम ही करता था, 20 दिन बाद 25 दिन बाद। तो एक दिन मैंने ऐसे ही फोन किया, पप्पू कह रहे हाँ भाई करियर पैसे नहीं जरूरत पैसे। कहता कि मैं सर अपनी नजरों में डूब के मरने वाला हो गया कि यार मैं उनको कॉल भी तब करता हूँ जब पैसों की जरूरत पड़ती है। तो हकीकत यह है कि अगर महसूस करेंगे ना तो सारा कुछ है यार, उनके लिए पीर कर लीजिए। क्यों मतलब मोटिवेशन, और मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता जब तक मुझसे कोई काम ना ले, मुझसे काम नहीं होता, तो जब मुझे बताएगा कोई मैंने कितने सवाल याद करने फिर मैंने करना है, तो आप अपने बारे में सोचिए, फिर कम से कम उनकी हार्ड एंड मनी का बेगार रखना करो जो मेहनत से कमाते हैं ना। देखो जिसके पेरेंट्स के पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी हैं, वेल ऑफ है, जमीन नहीं है, कुछ भी है, वो भाई इख्तियार पास आ जाएगा तो हर चीज बेहतरीन हो जाएगी। मोची का बेटा हो या समझ लीजिएगा मतलब किसी ASP का बेटा है, SSP का बेटा है, आप CSS कर गए तो आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे और वो लेवल आप खुद अचीव कर सकते हैं। सारी बातें 2 नंबर थी, मैट्रिक के 2 साल पढ़ लो, इंटर के 2 साल पढ़ लो, मेडिकल के 5 साल पढ़ लो, अब जितनी भी आपकी एजुकेशन है ना ये आपके साल है। अब अगर आप कुछ कर गए तो इंशाल्लाह ना आपको कोई रोक सकेगा ना कोई आपको रोक। अब आपकी जिंदगी पूरी जो 30 साल का 35 साल की एक एवरेज इंसान की जिंदगी है वो बेहतरीन करियर रहेगा। यानी ऑफिसर बनेंगे तो 30-35 साल के लिए बनेंगे, कब्र की आखिरी दीवार तक बनेंगे, और फिर पेरेंट्स के लिए, और फिर सारा कुछ देखिए कितनी कितनी बड़ी चीजें उनके लिए ये होंगी। तो थोड़ा सा ना मतलब मोटिवेशन ऐसे काम शाम, अब मैं पढ़ा दिया, मैं अज्यूम करता हूँ आप घर काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, लगे हुए, वैसे खुशी होती मुझे आपकी क्लास में कि रिस्पॉन्स सबसे अच्छा आप लोग करते हैं, लॉजिक से पढ़ भी रहे हैं, मुझे इस चीज की खुशी भी है कि यार शुक्र है कोई तो क्लास है जो मैं कराता हूँ, कहता हूँ ये आपको मैंने बताया कि क्लासेस में यकीन कीजिए ये लेक्चर सिर्फ एक लेक्चर ये देना पड़ा कि यार मुझे पैसे दे के पढ़ते हो और समझ नहीं आती और आप कह रहे होते हो समझ आ रही है, इससे बड़ी कोई बदकिस्मती है। यानी आप इतने बड़े हो गए और यही जज नहीं कर पाए कि समझ नहीं आ रही, तो आपकी इतनी करेक्टर की स्ट्रेंथ हो, सॉरी सर नहीं पता चला, वो गोली मार देगा टीचर, लेकिन नहीं है बस आदत है जी, बस ये जी करने की आदत है। सर कह रहे हैं समझ आ रही है, अच्छा नहीं लगता भाई नहीं आ रही, एक बार दो बार चार बार छह बार क्या फर्क पड़ता है, मेरी बात समझ गए। अब आप इसी को क्वेश्चन करते हैं, समटाइम्स आप देखते हैं मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, तो वो जज्बाती इस वजह से नहीं हो रहा होता, वो जज्बाती हो रहा तो बाज बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, जब वो कोई बोंगा सा सवाल करे मैं हैरान हो रहा होता हूँ यार, और बाज बच्चे कह भी रहे हो ना हाँ, तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ जी जी समझ आ रही है ना, यानी मुझे यकीन होता है कि अगर ये ना भी होते यार बोल पड़े। थोड़ा सा मेरा बेटा इस चीज का ना ख्याल करो, मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं होता, मोटिवेशन एक ही चीज है, जिस बंदे के अंदर एहसास है, एहसास पेरेंट्स से शुरू होता है, उसके बाद आपके बहन भाइयों में, टीचर्स, अपने आप, दोस्त सब, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। जीनियस जो लोग होते हैं, मेहनती जो लोग होते हैं, मान लें आप एक फैसला गलत कर दोगे ना, आप अपनी मेहनत से अपने फैसले सही कर लोगे, यकीन कीजिए सच कहता हूं मैं आपसे। पता नहीं हम जाति बातें करते नहीं होते, किसी जमाने की बात है कि कॉलेज थे साथ में यूनिवर्सिटी थी, वहां पर ना टीचर सारे पढ़ा रहे थे, और मैं बिल्कुल जो है ना फ्रेश था, यानी मैं एक सिंगल बच्चे को भी नहीं पढ़ाता था। तो मैं वहां पर गया ना, तो मेरे साथ जितने जानने वाले थे मुझे पता क्या कह रहे थे, खुदकुशी करने का शौक है कर लो। मैं मतलब एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर उस वक्त मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं जो चाहता था वो वहां होता नहीं था, तो मैंने कहा यार मैं दबा करता हूँ। वो और अच्छे खासे हैं 97-98 की बात, और बेहतरीन पैसे मुझे मिल रहे थे, यानी उस वक्त के हिसाब से तो हजारों टीचर से मुझे अच्छे मिल रहे थे। तो मैं जब शुरू करने लगा तो मुझे सारों ने कहा देखो वो उसका गवर्नमेंट कॉलेज, वो फलां सिविल लाइंस का, फलां वहां का, वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो है, तो तुम्हारी दाल यहाँ कहाँ मिल रही है। मैंने कहा जी जी सही कह रहे हैं। अच्छा वो सारे लोग कह रहे थे, यकीन कीजिए मुझे उन सब की ताकत स्ट्रेंथ का पता था, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहे हैं, और ये मुझे नहीं जानते, क्योंकि मुझे पता था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा फैसला गलत होगा, तो मैंने तो मेहनत ही इतनी करनी है कि इतनी मेहनत ही को करके दिखा दे। और यकीन कीजिए मतलब मेरा ख्याल है कि 10 दिन पहले जो थे ना, 10 या 11 दिन, एक बच्चा भी मेरे पास नहीं पढ़ने आया, पूछने भी नहीं आया, यानी मैंने इससे आयुष्यू भी पढ़ते होते ना, पूछने आया और फिर नहीं आया, और उसके बाद फिर एक आया, दो आया, और जब यानी मैं 20-21 को गया था,
एक दो के बाद उस मंथ में जब आखिर खत्म हो रहा था तो रौनक थी, और उससे अगले महीने और उससे अगले महीने यूं लग रहा था कि 20-30 साल पुराना कोई टीचर यहां बैठा हुआ, यानी एक एक दिन में 30-30 एडमिशन हो रहे हैं। तो यकीन कीजिए कई टीचर सिर्फ शक्ल देख रहे थे, बंदा है कौन यार, ये कौन है, किस तरह का है, ये क्या हुआ, एकदम से पूरी पूरी क्लास छोड़ के उधर चली जाती। और रीजन क्या थी, मैं जब गया था तो मैंने सिर्फ एक चीज स्टडी की थी, यहाँ सारे टीचर जो है पढ़ा क्या रहे, वही नोट्स घिसे पिटी बातें। मैंने यार ये 6-6 महीने 8-8 महीने इस काम भी लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं, मेरे कहने का मतलब ये कि वो फैसला गलत हो सकता था, अगर मैं भी उन्हीं की तरह का होता, मैं भी उसी तरह नोट्स बनाता, बेटा ये मैं नोट्स दूंगा, चीजें दूंगा। मुझे पता था कि मैंने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर दी। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि डे वन से ही रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया। मैं नहीं, वो कॉलेज बच्चा आप क्वालिटी को देखेगा, वो उसके पीछे जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, आपको बलोचिस्तान से कोई बंदा कह भी दे चलो जी शकील साहब से पढ़ना है, अब वहां से यहां आए तो आप मेरे पास रिटेन तो तब करोगे ना जब यहां से कुछ मिलता रहेगा। ऐसा थोड़ा किसी ने कह दिया और आप बस ठीक है यार बैठ गए, अब नहीं मैंने यहां से जाना, नहीं, 2-4 दिन 10 दिन बाद जब मिलती है कोई चीज तो ऐसे भी होते हैं कि सुन के कोई आते हैं चले कहीं जाते हैं। तो मैं आपको ये एक पर्सनल एग्जांपल देने का मतलब था, ट्रस्ट मी, मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि जो मेहनती बंदे हैं वो अपनी तकदीर खुद लिख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मेरी गवर्नमेंट की जॉब हुई, मैं बाहर जाना था, मैं नहीं गया, मैंने कहा लाहौर से बाहर मैंने नहीं जाना, जब लाहौर से बाहर जाना है तो फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, दफा करें घर बार छोड़ना है, पैसे ही कमाना है तो फिर डॉलर्स में कमाएंगे, फिर यहां से क्यों जाएं। लेकिन मेरे साथ नहीं नहीं नहीं, अब जब आज बात होती है तो फिर कुछ सारे वो किसी के पास पूछे, हर किसी की अपनी अपनी खुशी, अपनी अपनी कह लीजिए कि उसके पैरामीटर, कोई गाड़ी से खुश है, कोई घर से खुश है, कोई इस बात से खुश है कि मेरी औलाद अच्छी है, कोई इस बात, खुशी का मैार हर किसी का अपना, आप किसी से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये मैं पेरेंट्स के हवाले से बात कह रहा हूँ, यानी मैं मतलब मेरे बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, ना मैं अपने पेरेंट्स से कभी आज तक अलहदा हुआ हूँ, ना मैंने सोचा है, ना कभी मेरे तसव्वुर में ये बात आई है। ये घर है खाली पड़े, लेकिन मैं अपने, मेरे वालदा 2 साल पहले डेथ हो गई और मेरे वालद साहब हैं तो मैं उनके साथ हूँ, यानी मुमकिन वो मेरे साथ नहीं जाते तो मैं नहीं उनके, मैं उनको छोड़ के जा ही नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि यार इन्होंने मुझे कांधे पे, मुझे वो वक्त याद है, तो मैं यकीन करें मैं जज्बाती हो जाऊंगी इन बातों के ऊपर। बहरहाल आपसे ट्रस्ट कीजिए मेरी बात से जो कहना चाह रहा हूँ, वो जो एक दिन प्यार से उन्होंने गोद में पकड़ के खिलाया था उसका ही हम नहीं दे सकते, पैसे चीजें तो बाकी तो बाद की बात है। तो आप लोगों को यानी आपने CSS करना है, ये चीजें करनी है, और इन बातों के ऊपर भी आप लोगों से पूछ रहे हैं यार मुझे मोटिवेट करो, यार मेरी मोटिवेशन मर जाती है। तो कभी घर में बैठ के ना 10 मिनट अकेले एक बार सोचा करो, यार मैं कहां से आया, मैंने घर बार छोड़ा, मैं अपने पेरेंट्स और उनसे, आपको उनसे हो सकता है दिली रगबत ना हो, उनको तो आपसे है ना, वो मिस करते होंगे आपको, दिल करता होगा आप आ जाएंगे, कोई इस वजह से नहीं बुलाते होंगे, यार किराया बड़ा लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं, फोन पे बात हो जाती है ना, मैंने व्हाट्सएप पे उसकी शक्ल देख ली है, आपके अंदर शायद ये चीज ना हो लेकिन यकीन कीजिए उनमें ये होगी, वो आपके किराए तक बचाने में उनकी टेंशन है। और आप देखिए यहाँ आपसे बड़ा तो जनरल बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास नहीं भी पट रहे उनके भी, तो थोड़ा सा जो है ना जो एहसास पैदा होता है दूसरों का भी किया करें अपना भी, ये मोटिवेशन फजूल इधर चले गए उधर चले गए, हर बंदा झूठ बोलता है लाहौर में, सिवाय उन लोगों के आपने खुद जज करना है जो कहते हैं प्रैक्टिकली वो काम नहीं करते, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ सर फेंक के अपना काम कीजिए, डटे रहिएगा, ये शहर ऐसा है कि आपको दुनिया की जो ख्वाहिश चाहिए जो मेहनत चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि आप लेने के आए हैं पहले अपने आप को डिफाइन कीजिए, और इधर उधर की बातें इधर से उनसे मेरा मोटिवेशन कर, मुझे बड़ी तकलीफ होती, मतलब आप जब कहते हैं मैं काम नहीं करता, मुझे बड़ी तकलीफ होती, सोहेलिया का सर मैं जा रहा हूँ, उठ के जा रहा हूँ 8 बजे तो मैंने कहीं जाना जरूरी काम। अच्छा अब वो सारी बात है जा रहा है कोई नहीं, तकलीफ मुझे किस बात की, नहीं पढ़ते ना पढ़े, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट जा रही है, बच्चों को कैसे हम समझाएं यार ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा जरूरी है, ये कर लो, आपका कंपटीशन जब होगा ना आपको खुद फील होगा, आप अपने स्टाइल पे काम करो। आपका और आपके एग्जामिनर का मुझे बताएं तरीका क्या है, बस 2 मिनट, आपका और आपके एग्जामिनर का राबता सिर्फ एक शक्ल में हो सकता है, और वो क्या है, राइटिंग जो आप लिख के उसे दोगे, कम्युनिकेशन इसके अलावा कोई है, 12 एग्जामिनर है, 12 के 12 एग्जामिनर को आपने लिख के बात करनी है, तो अगर लिखने में कमाल नहीं होगा तो कैसे हो सकता है कि आप किस फॉर्मूले से उनको करोगे, जो किस तरीके से उसे करोगे, नहीं कर सकते। जब तक कि आपको अपनी कमांड पूरी ना हो, आपको पता हो यार जो मैं लिखता हूं ना ये कमाल है, इसमें मुझे टेंशन नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा, मोटिवेशन भी ऊपर रहेगी।
मेहनत कीजिए, डायरेक्शन वाली मेहनत कीजिए, और जब नहीं दिल करता ना पढ़ने को, और पढ़ना जरूरी है, पेरेंट्स का सोच लीजिए, सिक हो गया, उठिए घूमिए फिरिए, कहीं चक्कर लगाइए, फिर आके पढ़िए, बुकिश और बस परेशान कंफ्यूज ये ना रहे, बस एक लगन अपने अंदर रखें, यार मैं जिस एग्जाम पे हाथ डालूंगा ना मैं इसे, और जिस एग्जाम को आप पकड़े और फिर उसमें फेल हो जाएं तो अपने बारे में सोचिए मैं फेल हुआ क्यों, ये मत कहिए मैंने कौन सा पढ़ के दिया, तो मैं तो ऐसे ही दे रहा था, ये काम नहीं होता सही, देंगे ना एग्जाम, किसने आपसे कहा था वैसे ही दे रहा, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए बड़ी बात है, तो यार पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मतलब उनके बारे में सोचिए, आपकी पढ़ाई कभी नहीं, चलो कल इंशाल्लाह करेंगे ऐसे, इंशाल्लाह एक आधे दिन में कर दूंगा, स्पीड में जरूर शुरू करते हैं, चलिए।